तो हेलो सबको, वेलकम टू रोहन वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट राइनो के बारे में। जो हमारा प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट हुआ था अपने इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो इंट्रो में आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आपको बेसिक है इसमें, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स में हम क्लियर करेंगे आज का। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट जो राइनो हुआ वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, और सेकंड है इंडियन राइनो आर लेफ्ट इन इंडिया, कितने राइनो अपने इंडिया में बचे हैं। 90% ऑफ इंडियन राइनो फॉर सेरोस फाउंड। तो 90% जो इंडियन राइनो सेरोस है वो किस लोकेशन में मिलते हैं, इंडिया के कौन से पार्ट में मिलते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट द राइनो, तो राइनो को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट अबाउट राइनो सेरोस, तो हम अमेजिंग फैक्ट्स करेंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे। प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट इन इंडिया, प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च इन 2005। तो प्रोजेक्ट जो राइनो है वो 2005 को लॉन्च किया गया था। इंडियन राइनो विजन 2020 इज एन एफर्ट वाइल्ड पॉपुलेशन एटलीस्ट 3000 ग्रेट हन वन राइनो स्प्रेड ओवर 7 प्रोटेक्टेड एरिया इन स्टेट आसाम बाई ईयर 2020। तो ये जो ग्रेट वन हन राइनो की जो स्पीसीज है वो उसको इंडिया में 2005 को लॉन्च किया गया था उसको बचाने के लिए, और उसमें इनिशिएटिव लिया गया था कि 2020 तक उसकी जो पॉपुलेशन है वो 3000 कर दिया जाएगा। तो आसाम में वो चीज़ स्टार्ट किया गया था 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर मिला के। तो ग्रेट हन वन राइनो और इंडियन राइनो वंस रोम इन पाकिस्तान एंड पार्ट ऑफ द नेपाल भूटान एंड बांग्लादेश। तो एक टाइम पे आपकी जो ये स्पीशीज़ है आपका ग्रेट हन वन राइनो इंडियन राइनो, वो एक टाइम पे नेपाल पाकिस्तान और भूटान के एरिया में घुमा करते थे। तो इंडियन राइनो स्टिल इन डेंजर्ड बाय पोचिंग एंड हैबिट लॉस। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इन द होल्ड ऑफ 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको बनाया गया था और आपकी जो पॉपुलेशन थी वो अभी भी डेंजर में है, ठीक है। तो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आपको बनाया गया था, वो जो मैंने आपको बताया था, वो अभी भी डेंजर्ड में है। तो जो आपको आसाम में जो 2/3 पॉपुलेशन है आपकी, वो आसाम में मिलती है आपकी इंडियन एरियाज़ में, ठीक है। तो जो आसाम में है आपकी जो पूरे होल्ड करता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो 2/3 आपकी खाली पूरे इंडिया के, आप भूटान बांग्लादेश हर जगह पर आपकी 2/3 पॉपुलेशन इंडिया में है, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो चलो आगे देखते हैं। तो इंडियन राइनो आर लेफ्ट इन इंडिया, तो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन इंडिया एंड नेपाल द ग्रेट वन हन राइनो और इंडियन राइनोसेरोस। तो इसमें जो दो कंट्री ने इनिशिएटिव लिया था कि हम राइनोसेरोस के स्पीशीज़ बचाएंगे, जो है इंडिया और नेपाल, क्योंकि ग्रेट वन हन राइनो जो है इंडियन राइनो वो आपके नेपाल और इंडिया में सबसे ज़्यादा, इनकी अभी के लिए फिलहाल संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसमें दोनों कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लिया कि हम इसको बचाएंगे। और इंडियन राइनो हैज़ इन द न्यूज़ अ लॉट दिस ईयर, तो इंडियन राइनोसेरोस के जो है आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिस ईयर में, जो आपके इस साल में या पिछले 4-5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। इनके ऊपर डिस्कवरी में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वी ग्लैड टू सी दैम गेटिंग सो मच अटेंशन, तो जब आप जा सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम राइनोसेरोस के स्पीशीज़ के बारे में अटेंशन दिया जा रहा है, हम लोगों की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आफ्टर अ वर्ल्ड 5 राइनो स्पीशीज कुड बी ईजिली लॉस्ट इन आर लाइफ टाइम। तो वैसे 5 स्पीशीज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसमें से हम स्पीशीज़ को विलुप्त नहीं देख सकते, मतलब विलुप्त हो सकती है अगर हम अटेंशन ना दिया जाता है हमारे। तो ग्रेट वन राइनो और इंडियन राइनोसेरोस करेंटली मोर देन 3700 इन नेपाल और इंडिया। तो पूरे नेपाल और इंडिया में जो ग्रेट वन हन राइनो है, जिसको हम इंडियन राइनोसेरोस के नाम से जानते हैं, वो आपके 3700 इनकी स्पीशीज़ अभी के लिए है 2019 के जनगणना के हिसाब से। तो अब जैसे कि आप ग्राफ आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ग्राफ आप देखो, ऊपर वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आपका इंडियन राइनोसेरोस के ऊपर, और नीचे वाला ग्राफ जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो आप ऊपर वाला देख सकते हो, जो हमारी आपकी 2019 में हमारी काफ़ी ज़्यादा नेपाल और इंडिया में जो राइनोसेरोस की जो जनसंख्या है उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हाईली बहुत जल्दी इंक्रीज़ हुई है। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन 2009 में इसको स्टार्ट किया, उसके बाद मतलब चला तो 21,000 की स्पीशीज़ थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जितनी भी 5 स्पीसीज़ होती हैं सबको मिला के, जो इंक्रीज़ होते गए जो 2005 में डिक्रीज़ हो गई, फिर अभी 2019 में भी डिक्रीज़ हुई है। तो ऐसा इनिशिएटिव चल रहा है धीरे धीरे करके, मतलब आगे बढ़ भी रही है और कम भी हो रही। तो चलो हम दूसरा तरफ आगे जाते हैं। 90% ऑफ इंडियन राइनोस फाउंड अकॉर्डिंग टू द मार्च 2018 विच हैज जॉइंट कंडक्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड सम वाइल्ड लाइफ एनजीओस एंड द राइनो पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क इज 2413। तो इसका मतलब है कि आपके जॉइंट एफर्ट लिया गया था आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ नॉर्मल एनजीओस की तरफ से 2018 में, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में उनकी पॉपुलेशन करने का उनका था कि 2413 उनकी पॉपुलेशन करने का था, जो नॉर्मल एनजीओस थी और जो आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, जो आपकी गवर्नमेंट थी वहाँ की, ठीक है। तो सेकेंड है द ग्रेट वन हन राइनो कॉमनली फाउंड इन नेपाल भूटान पाकिस्तान एंड आसाम इंडिया। तो आपके जो ग्रेट वन हन राइनो जो इंडियन राइनोसेरोस है वो आपके पाकिस्तान नेपाल भूटान और बांग्लादेश में मिलता है और आपके कुछ इंडिया में भी मिलता है। तो ये है आपका। और
इज कॉन्फ्लिक्ट टू टॉल ग्रासलैंड ऑफ फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं मिलते, मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलते हैं आपके नीचे साइड में, ये आपके हिमालयन फुटहिल्स में मिलते हैं जो आपके टॉल ग्रासलैंड होते हैं, जो नॉर्मली आपके 7 to 8 feet जो ऊपर आपकी ग्रासलैंड होती है वहाँ पे मिलते हैं, जो आपके हिमालयंस के फुटहिल्स में मिलते हैं। जहाँ पे फिलहाल मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो फुटहिल्स एरिया है, बट यहाँ पे रेनोसेरोस नहीं है, आपके आसाम के साइड मिलते हैं। तो आप जान सकते हो यहाँ पे भी एक टाइम पे रहा करते थे बट अब नहीं है। तो जो उसकी पॉपुलेशन है वो 2413 रखी गई थी 2018 में। तो हाउएवर मोर देन 2400 बॉर्न इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में तो अभी के फ़िलहाल के लिए आपके 2401 हैं, ठीक है। और जो आपके चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल में है वो है आपके 605, ठीक है। तो जो सो जॉइंट एफर्ट टेकन बाय द भूटान एंड इंडिया, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ राइनोसोर लिविंग अलॉन्ग विद द इंडो भूटान बॉर्डर। तो आपके छोटे से जो आपके पॉपुलेशन है राइनोसोरस की, बहुत ही माइन्यूट जो पॉपुलेशन है वो आपको इंडो भूटान बॉर्डर में मिलते हैं, जो आपके भूटान में मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक है, आपको ग्राफ की तरह मैं समझाता हूँ आपको, जो राइनो पॉपुलेशन है और इंडिया में वो दोनों तरफ से दिख रहा है। चितवन नेशनल पार्क का आपको ऊपर को दिख रहा है, नीचे वाला आपको काजीरंगा का दिख रहा है। तो देख सकते हो डिक्रीज और इंक्रीज चलता रहता है ऐसा आपके जिस तरीके से। और जो आपको नीचे मैप दिख रहा है वो उस मैप में आपको जो पिंक वाला पार्ट है वहाँ पे दिखाया गया है कि आपको किस टाइप में एक जगह पे मिला करते थे आपके ये राइनोसेरस हुआ करते थे, मतलब इनका ये पाथ हुआ करता था एक टाइम पे, जो आप देख सकते हो आसाम से लेके आपका पाकिस्तान तक जाता था। तो ये आपका फुटहिल्स है, आपका यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, जो आपकी हिमालयन फुटहिल्स होती है ये है वो फुटहिल्स है, ठीक है। आप उस मैप को देखो और कुछ ग्राफ्स को भी पढ़ो तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट द राइनो। तो डोंट बाय द राइनो हॉर्न्स। जो जो राइनो के हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, आप उसको ना खरीदें, क्योंकि उसी को लिए हम लोग, मतलब जो पोचर्स होते हैं वो उसी को मारने, उसको लेने के लिए आपको राइनोसेरस को मारते हैं, पोचिंग करते हैं। तो ये हम ना खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसकी जो मेडिसिन बनती है काफ़ी शोर से बोला जाता है। तो डोनेट टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टू सपोर्ट द वर्क इज अफ्रीकन एंड एशिया। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में आप उसको डोनेट करें थोड़े पैसे आप, ठीक है। तो हम जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे एशियन और अफ्रीकन जो राइनोसेरोस है, इसके ऊपर हम अच्छा वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं, डोनेट करेंगे। तो बाय हेल्पिंग प्रोटेक्ट राइनोज, हेल्पिंग टू द हैबिटेट्स और द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो हम राइनोसेरोस को बचा रहे हैं, उसमें हम उसका नेचर भी बचा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी बचा रहे हैं एक तरीके से। तो हेल्पिंग सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज एंड मेकिंग नेचर रिसोर्स एज अवेलेबल फॉर जनरेशन टू कम एंड सी द ब्यूटीफुल एनिमल इन आर अर्थ। तो राइनोसेरस को बताएं, लोकल कम्युनिटी का हम हेल्प कर रहे हैं और आने वाली जो जनरेशन है उसको हम अपना जो राइनोसेरस की स्पीशीज़ हैं इसको हम दिखा सकते हैं और अपना नेचुरल वर्ल्ड को, वाइल्ड लाइफ को दिखा सकते हैं। तो बाय द एफर्ट ऑफ बोथ एशियन एंड अफ्रीकन टू सेव द राइनो पॉपुलेशन इन मल्टीपल वेज। तो जो राइनो स्पीशीज़ हैं वो आपकी अफ्रीकन और एशियन राइनो स्पीशीज़ हैं, हम दोनों मिलके, दोनों जो आपकी कंट्रीज़ हैं, जो भी एशियन और अफ्रीकन दोनों एरियाज, दोनों मिलके हम इस चीज़ को बचा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेज में बचा सकते हैं हम लोग। तो दूसरा है इम्प्रूव सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्ट द राइनो फॉर पोचिंग। तो मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में आप डोनेट करेंगे तो हम मल्टीपल वेज में, हम फॉरेस्ट में अलग अलग कैमरे ट्रैप्स लगवा सकते हैं, कैमराज लगवा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक जगह बैठ के जो पोचर्स जंगल में एग्जैक्टली करके आए, क्योंकि हर टाइम जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं वो हर टाइम तो फॉरेस्ट के अंदर नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगवाएंगे। इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव लोकल एंड इंटरनेशनल लॉज टू सपोर्ट द फॉलो ऑफ राइनो हॉर्न्स एंड अदर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स। तो लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड्स को हम, जो उसके सिक्योरिटी लेवल हम दोनों तरफ से बचा सकते हैं, जो हमारी इलीगल ट्रेड्स हो रहे हैं राइनो हॉर्न्स के लोग के, वो हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लोकल और इंटरनेशनल की जो आपके लॉ की जो आपकी सपोर्टिंग है, लॉ हमको चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट द राइनो, आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा वर्ड है, ठीक है। चलो फिर आगे, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट राइनोसेरोस। तो जो नेम राइनोसेरोस मींस नोज हॉर्न। तो जो राइनोसेरोस के नाम आता है वो कहाँ से आया है, वो जो उसकी नाक है, जो उसकी हॉर्न है, जो उसकी सींग है, वहाँ से राइनोसेरोस का नाम आया है। तो देयर आर 5 डिफरेंट स्पीशीज इन राइनोसेरोस, 3 नेटिव टू द साउथ एशिया एंड 2 नेटिव टू द अफ्रीका। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 5 राइनो की स्पीशीज पाया जाती हैं। तो जो 3 नेटिव हैं, जो 3 स्पीशीज़ होती हैं, वो आपके एशिया में मिलती हैं और बाकी की 2 स्पीशीज़ जो है आपको साउथ अफ्रीका में मिलती है, मतलब अफ्रीका में मिलती हैं। तो ऑल 5 स्पीशीज़ ऑफ राइनो कैन ग्रो टू वेट ओवर 1000 kg, 2200 pounds। तो जो 5 स्पीशीज़ होती है रैनो की, वो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 kilo, मतलब 1000 kilos की होती है, मीन्स 2200 pounds के आसपास हो सकती है। तो रैनो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्राउंड एनिमल इन द वर्ल्ड। तो जब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एलिफेंट के बाद रैनो दूसरा सबसे बड़ा एनिमल है इस अर्थ में। रिलेटेड टू देयर लार्ज साइज, रैनो हैज स्मॉल ब्रेन। तो उसके साइज जितना बड़ा है राइनोसेरोस के, दूसरा सबसे बड़ा एनिमल है, तो उसका जो ब्रेन है वो उतना ही सबसे छोटा है। तो 3 ऑफ द राइनो स्पीशीज आर बीइंग इन डेंजर्ड।
तो 5 स्पीशीज़ में से 3 जो स्पीशीज़ आपके रैनोसेरॉस की वो डेंजर्ड में है, वो आप बहुत ज़्यादा अनडेंजर स्पीशीज़ है, तो उसको हम बचाना चाहिए। तो ये थे आपके अमेजिंग फैक्ट्स। और आप में सबको पहले से कह रहे थे प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट इन इंडिया, इंडियन रैनो, इंडियन रैनो आर लेफ्ट इन इंडिया, 90% इंडियन रैनोसेरॉस फाउंड, हाउ टू प्रोटेक्ट द राइनो, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रैनोसेरॉस। तो ये सब आपके रैनोसेरॉस की स्पीशीज़ के बारे में था, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट राइनो के बारे में बताया था आपको, छोटा छोटा वर्ड आपको सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने आपको। तो फिर से अगल दूसरी वीडियो कौन सी आएगी वो आपका सस्पेंस रहेगा, मैं आपको बता दूंगा पहली कौन सी वीडियो आने वाली। तो रैनोसेरॉस के आपने प्रोजेक्ट राइनो इंडिया के बारे में आपने थोड़ा बहुत सीख लिया होगा, थोड़ा बहुत जान लिया होगा जो आपको शायद नहीं पता होगा। तो ठीक है, आने वाली वीडियो में ऐसे देखते रहें, फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें कि ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे, उसके बाद जाके वाइल्ड में शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।